क्या आप चाहते हैं कटिहार का हर खबर आपके मोबाइल तक पहुंचे? तो उठाएं मोबाइल और यूट्यूब खोलें, फिर सर्च करें KTN न्यूज कटिहार। लेकिन बेल आइकन दबाना ना भूलें। नगर निगम क्षेत्र के वार्ड संख्या 3 में गरीब जरूरतमंद लगभग 100 परिवार के लोगों के बीच सूखा राशन का वितरण बुधवार को किया गया। समाज सेवी संजय कुमार ताती ने बताया कि वार्ड के खान टोला छिट्टाबाड़ी में सूखा राशन का वितरण किया गया। उन्होंने बताया कि शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में जब से लॉकडाउन हुआ है तब से अब तक गरीब जरूरतमंद लोगों को सूखा राशन के साथ साथ खाना भी उपलब्ध कराया जा रहा है। आज 125 परिवारों के बीच सूखा राशन का वितरण किया गया है, जिसमें खान टोला 80 परिवार हैं और छिटावाड़ी में 45 परिवार हैं। सूखा राशन दिया गया है, जिसमें चावल, दाल, आलू, नमक। कितने लोग थे उसमें जरूरतमंद? ये जो भी दिए हैं सारे जरूरतमंद ही हैं। 125 परिवार जो दिए हैं 3 नंबर वार्ड में, सारे जरूरतमंद ही परिवार को चिन्हित करके देते हैं। अच्छा, ये सहायता आप कब तक जारी रखेंगे? ये जो सरकार निर्धारित लॉकडाउन 3 तक है, ये 3 तक रहेगा। पिछले जो 25 से लॉकडाउन स्टार्ट हुआ तब से हमारा सेवा जारी है, गरीब मजदूर असहाय व्यक्ति के बीच में। अच्छा, खाना भी आप बना के परोसते हैं, इस पर क्या कहते हैं? खाना भी बना के पिछले लगभग 8 से 9 दिन का खाना था, जिसमें चावल, दाल, आलू परवल का सब्जी था, पूरी दुनिया था, पूरी सब्जी था और बीच में खिचड़ी का भी वितरण किए। अभी भी सूखा राशन का भी कर रहे हैं और कल भी सूखा राशन का करेंगे और परसों जो है पुनः फिर से चावल, दाल, सब्जी का वितरण चालू रहेगा। वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में भी इस कोरोना वायरस से भुखमरी और महामारी के दौर में बलिया बेलन थाना क्षेत्र के अंतर्गत बलिया बेलन व्यापार मंडल के सदस्य एवं बलिया बेलन पुलिस प्रशासन के द्वारा बलिया बेलन के क्षेत्र के हर एक गांव में जाकर राशन पानी वितरण किया गया। थोड़ा डिस्टेंस बना के दीजिए। मौके पर उपस्थित बलिया बेलन थाना अध्यक्ष श्री मुकेश कुमार ने भी कोरोना वायरस जैसे महामारी और भुखमरी में कोई गरीब भूखा न रहे, इसी को देखते हुए गरीब को सूखा राशन वितरण किया गया। यदि बाबू कोई है आज आज का भाई पकड़ लो, कोई है लेके जाइए। बोरा से नवा जीवन खातो ए मरिया से मिला है, मरिया से मिला नाम रोटी दे क्या करवा दो नमक।